में बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। विश्वविद्यालय प्रशासन हाउस में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मनमानी चरम पर है, यहाँ विश्वविद्यालय की दलाली चरम पर है। विश्वविद्यालय में वही होता है जो यहाँ के आला अधिकारी चाहते हैं। सरकार के फैसले, सीनियर सिंडिकेट के फैसले का कोई सम्मान नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथी अल्लाह बोल, लाठी डंडा लेके बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। सवाल में नहीं विश्वविद्यालय जवाब दो, विश्वविद्यालय प्रशासन हाउस में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाचारी है, आवेदन देने से विश्वविद्यालय जो है सो सुनने को तैयार नहीं हुआ। अंत में हम AISF या AYF फैसला लिए। ये जो है सो जिस तरह से भगत सिंह को बम फेंकना पड़ा था बहरों को सुनाने के लिए, ये विश्वविद्यालय के अंदर जो पदाधिकारी लोग हैं ये तमाम भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। कई जगह का कार्यक्रम बिना पैसा का इस विश्वविद्यालय में नहीं होता है। छात्र और छात्रा परेशान है इस विश्वविद्यालय से, इसलिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार हुए हैं, AISF, AIYF। और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। शंभू क्रांति, AIYF, राष्ट्रीय परिषद। विश्वविद्यालय मुख्यालय पर AISF और AIYF के द्वारा पुतला दहन इसलिए किया गया क्योंकि विश्वविद्यालय की मनमानी चरम पर है, यहाँ विश्वविद्यालय की दलाली चरम पर है। विश्वविद्यालय में वही होता है जो यहाँ के आला अधिकारी चाहते हैं। सरकार के फैसले, सीनियर सिंडिकेट के फैसले का कोई सम्मान नहीं है। सरकार ने आदेश दिया था कि विश्वविद्यालय में गर्ल्स का और SC ST का निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है। PG विभाग और कॉलेज में मनमानी के साथ फीस लिए जाते हैं। लगातार AISF के मांग के बाद, सूची देने के बाद गर्ल्स हॉस्टल को शुरू नहीं कराया गया। उसके बाद जो है विश्वविद्यालय में BED में धांधली के कई सारे साक्ष्य AISF ने दिए। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ने जांच कमेटी नहीं बनाई। उसके बाद जो है PAT 2020 का डेट नहीं दिया गया। PAT 2019 का जो है जो कोर्स वर्क की परीक्षा हुई उसका रिजल्ट अभी तक बच्चों के हाथ में नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय में पूरी तरह भ्रष्टाचार है। सीनेट सिंडिकेट के फैसला के बाद पत्रकारिता, नाट, संगीत की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई। सुपौल के BSS कॉलेज में PG की पढ़ाई शुरू नहीं हुई। यह विश्वविद्यालय भाई भतीजेवाद से चल रहा है। सरकार और सीनेट के फैसले हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। इसी के खिलाफ आज AISF और AIYF ने संयुक्त रूप से पुतला दान किया है। ये अंगराई है। 14 तारीख को हमारा धरना है विश्वविद्यालय मुख्यालय पर। अगर विश्वविद्यालय नहीं जगा उसके बाद तालाबंदी होगा, तब भी नहीं जगा तो आमरण अनशन होगा। हम आर पार के लिए तैयार हैं। हर्षवर्धन सिंह राठौर, AISF विश्वविद्यालय प्रभारी, मधेपुरा।